इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज रात लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होगा। और खास बात यह, करीब 7 मिनट के लिए धरती पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगी। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 9:12 से शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात होगी, इसीलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन आपको खास सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती है, जो सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, उनके अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आंख की रोशनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मक इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमन, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ग्रहण के समय कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में बोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादि नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादि नहीं है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयरलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, पनामा, रूस, बहामास, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखेगा। यह ग्रहण जो है अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में दिखलाई देगा। यह भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय विश्वनाथ। सूतक काल का असर रहेगा नहीं रहेगा? सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा। सूतक का असर जो भी होगा वह विदेश सब जगह नहीं होता। जहां ग्रहण लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहण लगेगा, वही सूतक प्रभावी होगा। इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि यह करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी 7 मिनट तक सर्वग्रास रहेगा और धरती पूरी तरह से अंधकारमय। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहण आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिण प्रशांत महासागर से होगी। इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहण 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस ग्रहण का प्रभाव अगले एक महीने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे। वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण जो है नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। क्योंकि मीन राशि रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशि के जातकों को इस समय पे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जन्म लिया है, उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब सबसे पहले राशि की बात कर लेते हैं जिन लोगों को सावधानी इस दौरान बरतने की जरूरत है, वो है वृषभ राशि। आप लोगों को खासतौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकती है, तो इस समय पे ध्यान जरूर रख के चलिए, अपनी वाणी पे ध्यान रख के चलिए। वहीं पर कर्क राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस चीज को भी ध्यान रख के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप इस समय पे स्पॉइल हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें अगली राशि की,
तो आप लोगों के लिए कन्या राशि जो है थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप विवाहित है या अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगों के लिए आ सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मकर राशि की इसके अलावा, तो मकर राशि वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा। ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहाँ पे आपको खास तौर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाइएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो पिक पॉकेट से बच के रहिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ और मीन की, तो कुंभ राशि के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो चोट चपेट में आने की संभावना है, इसलिए बहुत सावधानी से ट्रैवलिंग करें। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहण से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। ये परिवर्तन विश्व भर में युद्ध और विस्फोट का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।